If sigma tr from r is equal to 0 to n is n by 8 n plus 1 into n plus 2 into n plus 3, then find 1 upon tr sigma r is equal to 1 to n. तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, हमें सिग्मा टी आर गिवन है. सिग्मा टी आर मीन्स आर टर्म, आर जो टर्म है उसमें हम आर इज इक्वल टू वन से एन तक पुट करेंगे और उस वो जो सम आता है इक्वल टू वो आता है एन बाई एट इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन इंटू सॉरी एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री है यहाँ पे एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री. ओके नाउ ये तो क्या है, सिग्मा टी आर है. नाउ अब अगेन अगर हम इस एक्सप्रेशन में एक चीज देखें, क्या देखेंगे, ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एस एन के इक्वल, फर्स्ट एन टर्म्स का सम. तो हमें पता है जो हमारी टी एन होती है वो क्या होती है, फर्स्ट एन टर्म्स के सम में से अगर हम फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दे तो टी एन आ जाता है. तो एस एन क्या है, एस एन है हमारा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री अपॉन एट, और माइनस क्या करेंगे इसमें से हम एन माइनस वन, तो क्या जाएगा एन माइनस वन इंटू एन, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमने क्या करा, एन की जगह एन माइनस वन पुट कर दिया है बस, तो आ जाएगा एन माइनस वन पुट कर दिया गया एन माइनस वन देन एन देन एन प्लस वन एंड एन प्लस टू अपॉन में आ जाएगा एट. नाउ वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन में आ गया एट. बचा क्या हमारे पास में एन प्लस थ्री, माइनस में क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा एन माइनस माइनस वन तो जाएगा प्लस वन. तो इनडायरेक्टली ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू जो हमारा टी एन क्या आ गया, टी एन आ गया एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू क्या ये ओनली फोर है और फोर अपॉन एट इज टू, तो टी एन आ गया हमारा इक्वल टू दिस. ठीक है नाउ अगेन अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमें बताना है सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन वन अपॉन टी आर. तो ये क्या जाएगा अगर हम देखेंगे तो ये जाएगा सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन, तो ये टी आर टर्म क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा आर इंटू आर प्लस वन डिनोमिनेटर में आर प्लस टू, और टू क्या हो जाएगा हमारे ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा ऐसे. ठीक है तो अगेन अब हम क्या करेंगे, हम इस सम को जो टर्म है ना टी आर को दो टर्म्स के वन अपॉन टी आर को दो टर्म्स के डिफरेंस के में ब्रेक करने का ट्राई करते हैं. तो वन अपॉन टी आर क्या हो जाएगा अगर मैं देखूंगा तो वन अपॉन टी आर इज इक्वल टू सी. तो इसमें क्या करता हूँ मैं वन अपॉन आर प्लस वन को मैं ऐसे ही कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने वन अपॉन आर प्लस वन को कॉमन ले लिया अलग से. अब वन अपॉन आर प्लस टू और आर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. तो अगर मैं वन अपॉन आर में से वन अपॉन आर प्लस टू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सी मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है आर प्लस टू माइनस आर और अपॉन में है आर इंटू आर प्लस टू. तो इनडायरेक्टली अगर मैं देखूँगा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टू अपॉन आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, मीन्स ये टी आर के इक्वल ही लिखा हुआ है. तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो टी आर क्या हो गया हमारा, टी आर हो गया हमारा इक्वल टू वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन माइनस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू. तो सिमिलरली अब टी ये क्या जाएगा, ये तो वन अपॉन टी आर था है ना, हमें इसी का सम बताना है. तो अब देखते हैं ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे देखो हमें क्या पता चलता है. तो ये जो हमारी नई सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म है, तो लेट्स मैं बोलता हूँ यह जगह हमारा ये टी डैश आर हो जाएगी, और हमें बताना क्या है यहाँ टी डैश आर क्या है, यह है वन अपॉन टी आर. ठीक है तो अब टी डैश वन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, टी डैश वन आएगा हमें टी डैश वन, तो टी डैश वन आ जाएगा इक्वल टू वन अपॉन वन इंटू टू माइनस वन अपॉन टू इंटू थ्री, ऐसी टी डैश टू कितनी आ जाएगी, यह जाएगा वन अपॉन टू इंटू थ्री माइनस वन अपॉन थ्री इंटू फोर. फिर क्या आएगा वन अपॉन ऐसे ही टी थ्री डैश कितना जाएगा, जाएगा वन अपॉन थ्री इंटू फोर माइनस वन अपॉन फोर इंटू फाइव एंड सो ऑन. ऐसे ही लास्ट में जो हमारी टी एन डैश हो जाएगी वो कितनी जाएगी, जाएगा वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन सॉरी
या एन इंटू एन प्लस वन, और माइनस में क्या जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू. नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा वन अपॉन टी आर, और वन अपॉन टी आर किसके इक्वल है, सिग्मा टी डैश आर के इक्वल है, हमने टी डैश बोला इसे. तो इन सबको अगर मैं सम करूंगा तो देखते हैं. सी इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म से, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म से, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म से, देन क्या होगा, इससे पहले वाली टर्म की सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास में बचेगा क्या, इसकी फर्स्ट टर्म बचेगी जब हम इसको ऐड करेंगे, और इसकी लास्ट टर्म बचेगी, तो आ जाएगी वैल्यू क्या, वन बाय टू माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू. तो जो हमारा सम आया इक्वल टू वन बाय टू माइनस, माइनस में क्या जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.